नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GS with कैलाश सर में स्वागत करता हूं। हम यहां GS स्पेशल की जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ का आज 7th क्लास को अटेंड करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास से और लिंक को शेयर कर देंगे, सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में लिंक को शेयर कर देंगे जिससे बाकी लोग भी क्लास से जुड़ पाएँ। हम यहाँ जो क्लास डिस्कस करते हैं, ये क्लासेज जो हैं SSC, रेलवे, बैंक, पुलिस, लेखपाल तथा UP RO सभी के लिए प्रभावी रूप से इफ़ेक्टिव होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं। आप इन क्लासेस को लीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। यहाँ पूछा जा रहा कौन सा एक है जो सही सुमेलित हैं। तो हम यहाँ देखते हैं भारतीय ब्रह्म समाज जो है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में तत्व बोधनी सभा की जो स्थापना की गई थी, ये 1839 में की गई, 1839 में की गई, और किसके द्वारा की गई? तो 1839 में जो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ये किसके द्वारा की गई? तत्वबोधनी सभा की स्थापना ये की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके बाद में देखें, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई महाराष्ट्र में और 1873 में, और द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनमें से सही सुमेलित होगा डी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये सही सुमेलित है। इसके अलावा जो बाकी के तीनों हैं, जैसे कि आपको बताया गया था अभी, वो तीनों ही क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? किसी राज्य सेवा लोक सेवा आयोग, जो आपका राज्य का लोक सेवा आयोग होता है, इसके कार्यों को किस एक के अनुमोदन से, मतलब किसकी सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को किसी के अनुमोदन पर सौंपा जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइनोवियल द्रव्य किस में पाया जाता है? जो साइनोवियल द्रव्य होता है, ये किस में पाया जाता है? ए मांसपेशी, बी गुर्दा, सी यकृत, या फिर डी जो ऑप्शन है, जोड़। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? साइनोवियल जो द्रव्य होता है, इसका संबंध किससे होता है? ये जोड़ों की उपास्थि में घर्षण को कम करने के प्रयोग में आता है, मतलब हमारे जो जोड़ होते हैं, जोड़ों में पाया जाता है ये। और ये किस काम में आता है? जो इसके द्वारा, इस द्रव्य के द्वारा जो उपास्थियाँ होती हैं, वो आपस में घिसे नहीं, उनका घर्षण कम रहे, इस काम में ये आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी जोड़। इसका आंसर हो जाएगा डी जोड़। अगला क्वेश्चन, SMS का जनक किसे माना जाता है? तो SMS का जो जनक माना जाता है, ये माना जाता है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखेंगे और सभी लोग आंसर करेंगे इसका। ए जेनकूस, बी मेटी मेकोनेन, सी रिचर्ड जार्विस, या डी स्टीव जॉब्स। तो ये माना जाता है बी मेटी मेकोनेन को SMS का जनक माना जाता है। इन्होंने 1994 में सबसे पहले SMS की जो शुरुआत की, किस मोबाइल से की? नोकिया मोबाइल से, नोकिया के फ़ोन से। तो SMS का जनक किसे माना जाता है? मेटी मेकोनेन को। अगला क्वेश्चन, एक विंडो की बोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ को खोलता है? हम जानते हैं विंडोज़ में फंक्शन कीज होती हैं, और ये फंक्शन कीज में अलग अलग कीज का अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हेल्प पृष्ठ को खोलने वाली की कौन सी है? तो हेल्प पृष्ठ को खोलने वाली की होती है F1। इसके अलावा जो F2 है, वो नाम बदलना यानी रीनेम की कमांड के काम में आती है। F10 जो है, ये एक्टिवेट द मेन्यू बार के काम में आती है, मेन्यू बार को एक्टिवेट करती है। और F11 जो है, ये एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन मोड, यानी फुल स्क्रीन मोड में एंटर करने या उससे बाहर आने के काम में आती है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी वीर प्रताप को मिला? तो ये जो सम्मान दिया गया, ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था IFFCO के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। और ये सम्मान किसे दिया गया? तो IFFCO निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से
उन्नाव के वीर प्रताप सिंह को चयनित किया। आंसर क्या हो जाएगा, ए उन्नाव। किसे मिला, वीर प्रताप सिंह को। वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया, वीर प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से संबंधित हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ, सातवां क्वेश्चन, ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। तो जो ग्राम शब्द है, ग्राम शब्द का जो पहली बार उल्लेख मिला, ये मिला ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में कितनी बार मिला, 13 बार। ग्राम शब्द का जो उल्लेख मिला ये ऋग्वेद में 13 बार मिला, और ग्राम शब्द का जो वहाँ पर अभिप्राय है वो ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में है। ग्राम शब्द से क्या अभिप्राय लगाया जाता है, ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में। हम जानते हैं वेदों की संख्या कितनी होती है, वेदों की संख्या 4 होती है, जिनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है। इसके बाद में अन्य जो वेद हैं उनके नाम कैसे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, बुक्सा जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं। तो बुक्सा जनजाति जो है यूपी के बिजनौर जिले में पाई जाने वाली जनजाति है। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, यूपी के बिजनौर जिले में, यूपी के बिजनौर जिले में पाई जाने वाली जनजाति है ये। बुक्सा जनजाति के लोगों का कद और आंखें छोटी होती हैं, उनकी पलकें भारी, चेहरा चौड़ा एवं नाक चपटी होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका संपूर्ण चेहरा ही कैसा दिखाई देता है, चौड़ा दिखाई देता है। बुक्सा जनजाति यूपी के बिजनौर जिले में निवास करती है, बिजनौर जिले में, और इसके अलावा इनका जो कद काठी जो होती है वो छोटी होती है, चेहरा चौड़ा होता है। ये किसकी पूजा करते हैं, तो इन लोगों के द्वारा चामुंडा देवी की पूजा की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा आंसर हो जाएगा चामुंडा देवी, यानी बी। बुक्सा जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं, चामुंडा देवी की। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत की गई, जिसे पीएमएमवाई भी कहा जाता है, पीएमएमवाई के नाम से भी जाना जाता है इसे, और इसकी शुरुआत जो हुई 8 अप्रैल 2015 से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत की गई, किसके द्वारा की गई, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। इस योजना को छोटे व्यापारियों को उनका नया बिजनेस शुरू करने या पुराने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लाया गया। इस योजना के द्वारा छोटे व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण बैंकों द्वारा आसान शर्तों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत कहाँ से की। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रकाश है तो विकास है योजना की जो शुरुआत की गई, ये तत्कालीन यानी उस समय के जो बिजली मंत्री थे श्रीकांत शर्मा, उनके द्वारा की गई, और कहाँ की गई, तो मथुरा के दो गांव लोहबान और गोशाणा से किया। तो एक गांव था लोहबान और दूसरा था गोशाणा से किया, ये दोनों ही गाँव कहाँ के थे, मथुरा के। तो प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत जो की गई ये किसके द्वारा की गई, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जाती है, और उस समय के बिजली मंत्री थे श्रीकांत शर्मा, उनके द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है, यानी यह जो संकल्पना है किस देश के संविधान से ली गई है। तो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की जो संकल्पना है ये ली गई है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी यूएसए के संविधान से। और इसके द्वारा कुछ प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे हम देखते हैं अनुच्छेद 372 का एक, 372 का वन, अनुच्छेद 372 के एक के द्वारा, यह इस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान है। यानी भारत का संविधान लागू होने से पहले जो कानून बनाए गए उन कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जाती है 372 एक के द्वारा। ऐसे ही अनुच्छेद 13 जो होता है, यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान का उल्लंघन करता है, यानी लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से कोई संस्था अगर प्रॉपर वर्क नहीं करती, आपका कार्य नहीं होता, आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण कर सकते हैं। तो न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है कहाँ से ली गई है, ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? एक तरंग दैर्ध्य की जो आवृत्ति बढ़ी तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होगा? हम जानते हैं तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, वी बराबर एन लैम्डा। तो वी बराबर एन लैम्डा, और यहाँ पर जो वी है वो तरंग का वेग होता है, लैम्डा जो है ये क्या होती है तरंग दैर्ध्य, और एन क्या है यहाँ पर आवृत्ति। तो इसी फॉर्मूले को जब हम आगे देखेंगे तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा आपका वी अपॉन लैम्डा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, इस प्रकार हम आसानी से देख सकते हैं एन बराबर बी लैम्डा हुआ। तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में किस प्रकार का संबंध होता है? आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ी तो फिर तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तरंग दैर्ध्य घट जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, सी घट जाती है, आवृत्ति के बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य घट जाती है। निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोट से ज्ञात करें। तो इनका सही कालक्रम बताना है, निम्नलिखित चार स्थानों में दी गई बौद्ध संगीतियाँ। हम जानते हैं बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात चार संगीतियों का आयोजन हुआ जिन्होंने बौद्ध धर्म की दिशा को तय किया। तो ये जो संगीतियाँ हुई ये किस किस के समय में हुई? तो जो पहली संगीति हुई थी ये 483 ईसा पूर्व हुई, और किसके समय हुई, अजातशत्रु के समय। दूसरी संगीति जो हुई ये हुई 383 ईसा पूर्व और किसके समय हुई, वैशाली में होती है ये, पहली वाली राजगृह में होती है 483 ईसा पूर्व, और ये वाली 383 ईसा पूर्व, और ये किसके समय हुई, कालाशोक के समय। तीसरी जो संगीति हुई ये अशोक के समय हुई पाटलिपुत्र में, और 250 ईसा पूर्व। कुछ पुस्तकों में इसे 255 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है। और जो चौथी संगीति हुई वो कब हुई, कुंडल वन में कनिष्क के समय। कब कनिष्क शासक बना था, 78 ईस्वी में। तो हम कह सकते हैं प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ये वाली संगीति कब हुई, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो इस प्रकार हम देखते हैं पहली संगीति कब हुई है, पहले पे आंसर आएगा राजगृह, दूसरे पे वैशाली, तीसरे नंबर पर जो आएगा पाटलिपुत्र, चौथे पर कुंडल वन। तो 2143 आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। पहली संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के समय, दूसरी संगीति या दूसरी सभा 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के समय, तीसरी संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और चौथी संगीति जो हुई ये कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क के समय हुई प्रथम शताब्दी में। तो आंसर होगा हमारा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है, युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है, आंतरिक शांति को खतरा ये नहीं होता, इसके अलावा सशस्त्र विद्रोह ये भी होता है। तो कौन सा नहीं है, यहाँ पूछा गया कौन सा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक शांति को खतरे के आधार पर जो है आपातकाल की घोषणा अब नहीं की जाती, इसके लिए सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण या युद्ध के संबंधित प्रावधान है हमारे संविधान में दिए गए हैं। आपातकाल जो होता है ये तीन प्रकार का होता है, भारत में आपातकाल तीन प्रकार का होता है, और इनका उल्लेख है 352, 352, 356 और 360। तीन अनुच्छेद हैं जिनमें आपातकाल लगाया जाता है, और आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो इनमें से कौन आधार नहीं है, आंतरिक शांति को खतरा इसका आधार नहीं होता, अन्य सभी इसके आधार हैं। पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है, तो पंचायतों के द्वारा जो है कौन सा कर वसूल किया जाता है, संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, और इन पंचायतों को स्थानीय स्वशासन में बढ़ावा देने के लिए, लोगों की जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए, और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए स्थापित किया गया। ये अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया था, और अनुच्छेद 243 इसी के लिए समर्पित है। तो पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है, बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी, भू राजस्व या स्थानीय मेलों पर कर। आंसर होगा डी, स्थानीय मेलों पर कर। ये किसके द्वारा वसूला जाता है, ये वसूला जाता है पंचायतों के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में रखा जाता है? तो हम जानते हैं भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है ये RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार में रखा जाता है, यानी RBI के संरक्षण में रखा जाता है। RBI एक केंद्रीय बैंक है और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को किसके संरक्षण में रखा जाता है? RBI के संरक्षण में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन आप लोगों के सामने, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अपनी केसरी हिंद की उपाधि वापस करने के बाद उन्होंने 1920 से 1922 तक ये आंदोलन चलाया, और ये आंदोलन जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्वयुद्ध, इन सभी घटनाओं के पश्चात होता है। तो यहाँ गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की है, गांधी जी ने इस आंदोलन को लीड किया। ये आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से 1922 तक आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन। और चौरी चौरा घटना के बाद में ये आंदोलन क्या होता है, गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वामी विद्यानंद गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से अत्यधिक प्रभावित थे तथा उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 1922 में किसानों के समर्थन में दरभंगा, जो कि बिहार में स्थित है, दरभंगा के महाराज के विरुद्ध आंदोलन चलाया। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया। किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जाता है? तो हम देखते हैं किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को घटाया और बढ़ाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ की सहायता से मानचित्र को बड़ा और छोटा किया जाता है, यानी बढ़ाया और घटाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? तो किसान की मौत कहा जाने वाला जो अपर्दन होता है ये कौन सा होता है? निम्न में से चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, परत अपर्दन, जलीय अपर्दन, रिल अपर्दन या वायु अपर्दन। तो हम जानते हैं जो मिट्टी के ऊपर परत अपर्दन होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे किसान की मौत कहा जाता है। परत अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पाई जाती है? महिगीर जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पाई जाती है? तो महिगीर जो आदिवासी जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में पाई जाती है। कौन से ज़िले में? उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के नजीबाबाद क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। महिगीर जनजाति जो है ये मछुआरे हैं तथा उन्हीं से अपना संबंध बताते हैं। इस जनजाति के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है और इनका जो मुख्य रूप से व्यवसाय जो बताते हैं वो क्या हो जाता है इनका? जंगली जानवरों का शिकार करना और उनके मांस का प्रयोग करना। मांस का प्रयोग जो है ये भोजन हेतु करते हैं। तो महिगीर जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है और ये बेसिकली क्या है? मछुआरे हैं। इन लोगों ने, यानी महिगीर जनजाति के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया हुआ है और ये अपने विवाह एवं अन्य रीति रिवाज भी मुस्लिम तौर तरीके से संपन्न करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है? तो मूल्यांकन की जो इकाई है SDR यानी विशेष आहरण अधिकार, इंग्लिश में बोलेंगे स्पेशल ड्रोनिंग राइट्स। तो SDR क्या है? इसे पेपर गोल्ड की संज्ञा दी जाती है। विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। तो ये SDR किसके द्वारा बनाया गया? ये IMF के द्वारा बनाया गया। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, IMF के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1969 में। तो इसे पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है? तो विश्व जल दिवस जो है हम जानते हैं ये कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और इसकी 2021 की थीम क्या थी? तो विश्व जल दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी वैल्यूइंग वाटर।
आंसर क्या हो जाएगा, वेलोइंग बाटर। जबकि 22 मार्च 2022 को भी ये मनाई गई, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और इस बार जो इसकी थीम थी वो क्या थी, ग्राउंड वेस्ट मेकिंग द इंडिविजुअल विजुअल, यानी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। हिंदी में कहेंगे भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, इंग्लिश में कहेंगे ग्राउंड वेस्ट मेकिंग द इंडिविजुअल विजुअल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेहतारी दुलार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मेहतारी दुलार योजना जो है ये 2022 में स्टार्ट की गई, और किस राज्य के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है हिमालय के उत्तर में तिब्बत से होता है, ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और पूछा जा गया है क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और इसे वहाँ सांगपो नाम से जाना जाता है। ये भारत में नामचा वरवा जो चोटी है उससे टकराकर वापस लौटती है, तिब्बत से होती हुई नामचा वरवा की तरफ जाती है, सबसे पूर्वी चोटी भी है भारत की, और वहाँ से मुड़कर दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। बताना चाहूँगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। जब ये असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, यानी असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसे जमुना नाम से जाना जाता है। और जब ये गंगा से मिलती है, जो गंगा नदी है, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जब ये पद्मा से मिलती है तब इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे चीन के तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, और पद्मा से मिलने के पश्चात मेघना नाम से जाना जाता है। ये कहाँ जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है बस सेवा का उद्घाटन किया गया था, ये किया गया था 19 जून 1999 को भारत सरकार के द्वारा कोलकाता और ढाका के बीच बस सेवा जो है ये शुरुआत की गई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री उस समय शेख हसीना थी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जल्दी ही आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज है वो लाई जाने वाली है, जो हम पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स, पिछले वर्ष यानी अप्रैल 2021 से मई 2022 तक का करंट अफेयर्स उसमें कवर करेंगे। 800-900 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ रहेगी हमारी, जिस पीडीएफ के अनुसार हम डेली 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने अनुसार बताएं कि ये सीरीज जो है किस टाइम पर स्टार्ट की जाए, सभी लोग अपने सजेशन देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।